नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। नवरात्रि में कन्या पूजन करना बहुत ही शुभ माना गया है। विशेष रूप से देवी उपासना के इन पावन दिनों में किसी भी दिन कन्या पूजन कर पुण्य प्राप्त किया जा सकता है, परंतु अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं का पूजन करना और भी फलदायी माना गया है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि दुर्गा पूजन से भी पहले कन्या का पूजन करें, तत्पश्चात ही माँ दुर्गा का पूजन आरंभ करें। नवरात्रि के 9 दिनों में कन्या पूजन में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कन्याओं की उम्र 2 वर्ष से कम और 10 वर्ष से अधिक ना हो। 2 वर्ष की कन्या अर्थात कुमारी रूप के पूजन से सभी तरह के दुखों और दरिद्रता का नाश होता है। भगवती त्रिमूर्ति के पूजन से धन लाभ होता है। देवी कल्याणी के पूजन से जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ के रोहिणी स्वरूप की पूजा करने से जातक के घर परिवार से सभी रोग दूर होते हैं। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा का स्वरूप मानते हैं। माँ के इस स्वरूप की अर्चना करने से समस्त विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, शत्रुओं का नाश होता है और कठिन से कठिन कार्य में भी सफलता प्राप्त होती है। आशा करते हैं आपकी नवरात्रि मंगलमय और शुभ हो। मुख्य संपादक किरण सिंह तंवर और किनी टाइम्स परिवार की तरफ से आप सभी को 9वीं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।